आपके अपने YouTube चैनल कैरियर सर्किल में। जैसा कि आपको पता है COVID-19 की वजह से हमारी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन का मीन्स है त्रिकोणमिति का परिचय। जो क्लास होंगी वो आपकी बाईलैंगुअल होंगी। बाईलैंगुअल मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको उस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन की जाएगी। तो आपको जैसा कि पता है जो ट्रिग्नोमेट्री बेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है तो आपको ये भी पता होगा कि हाउ टू फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। बी जो कोण होगा इसका वो 90 डिग्री का होगा। कोण बोले तो एंगल। अब मैं मान के चलता हूं यहाँ पे जो सी है वो एंगल थीटा यानी कि कोण थीटा है। तब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड, साइड बोले तो भुजा क्या होती है, उसका नाम क्या होता है, हम उसे कैसे चेक करते हैं। इसमें तीन साइड होती हैं, जो हमारा ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी तीन साइड होंगी और तीनों साइडों को अलग अलग नेमों से जाना जाता है। अब वो नेम क्या होते हैं, सबसे पहले वो नेम समझ लो। अब जिस पे ये हमें थीटा के अकॉर्डिंग एंगलों को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर ये थीटा जिस पे ये एंगल बना हुआ है, जिस पे ये एंगल बना हुआ है उसे कहते हैं हम बेस, उसे कहते हैं हम बेस। बेस बोले तो हिंदी में इसे कहा जाता है आधार। अब इस चीज को समझ लो, इसी का नाम बेस क्यों रखा गया, यानी कि आप जिस चीज पे खड़े हुए होते हैं उसे कहा जाता है बेस। बेस मींस आधार। जैसे आपने कोई घर बनाया तो उसकी सबसे पहले आप नीम रखते हो, उस नीम को जो कहा जाएगा वो कहा जाता है बेस। अब इसकी अगर हमें दूसरी साइड देखनी है तो आपको ये पता होना आवश्यक होता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मींस कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस मींस कर्ण कहते हैं। और जो बची हुई साइड, और जो बची हुई साइड है उसे हम लंब कहते हैं। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं लंब। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये आपने इनका नेमिंग अपने अकॉर्डिंग क्यों किया है, कि इनको इसे बेस, इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेनियस ही क्यों कहते हैं हम। तो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि किसी भी चीज को नाम देना बहुत जरूरी होता है। जब आप उसे नाम दे देते हो तब उसके आगे उसमें प्रोसेस किया जाता है। जैसे मान के चलो आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम नहीं रखा जाता, तो जब नाम नहीं रखा जाता तो सब लाला होते, जब नाम ही नहीं होगा। जैसे छोटे बच्चे को लाला कह देते हैं, छोटी बच्ची को लाली कह देते हैं, तो सब लाला लाली होते हैं। मान लो हमें बुलाना किसी को, हम कहते हैं लाला, आ जाता कोई और लाला, तो सब इस दुनिया में फिर लाला ही लाला घूमते। इस दुनिया में क्या होता फिर, हाँ बिल्कुल लाला ही लाला घूमते हम। फिर बनिया या जो हमारे जो दुकानदार होते हैं उनको लाला कहते हैं हम, फिर उनकी जगह फिर हम सभी को लाला कहते। अब हमें बुलाना कौन से लाला को, आ जाता कौन सा लाला। तो इसीलिए किसी भी चीज को अगर हमें बुलाना है, उसके पार्टिकुलर नाम से उसे अगर समझना है, उसे भी पता चल जाए और हमें भी पता चल जाए कि हम चीज की चीज के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले उनका नाम रखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जिस पे ये थीटा बना हुआ होता है उसे बेस यानी कि आधार कहते हैं, 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये जो बची हुई साइड है, ये बची हुई साइड है, और बची हुई साइड ये जो होती है उसे लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। तो नामों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, किसी भी चीज को हमें पहचानने के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए उसका नाम रखना बहुत जरूरी होता है। तो नामों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता कि जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसे हाइपोटेनियस क्यों कहते हैं, जिस पे एंगल बना हुआ होता है उसे बेस क्यों कहते हैं, और जो बची हुई थर्ड साइड होती है उसे परपेंडिकुलर क्यों कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो माइंड का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा कि इसे बेस, इसे हाइपोटेनियस, इसे परपेंडिकुलर क्यों कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इनके बीच का रिलेशन क्या है। जैसे आपको इसमें कुछ फैक्ट होते हैं, इसके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फैक्ट हैं आपको समझने हैं, जैसे साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन। अब सबसे पहले इनका मैं अपोजिट यानी कि उल्टा बता देता हूं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक,
और कॉस का उल्टा होता है आपको पता है क्या, सेक, और टैन का उल्टा आपको पता है क्या होता है, कॉट। अब ये ध्यान रखना कि अगर यहां पे थीटा होगा यहां थीटा लेंगे, एंगल ए होगा एंगल ए लेंगे, एंगल बी होगा एंगल बी लेंगे, एंगल कुछ भी जो इसके साथ होगा एंगल वही इसके साथ लेंगे, जो एंगल इसके साथ होगा वही एंगल इसके साथ लेंगे। तो अब जैसे से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान के चलो साइन ए है तो साइन ए का मीन्स होगा वन अपॉन कॉस ए। अब यहां पे आपके पास कॉस है तो कॉस ए को आप लिख सकते हो वन अपॉन सेक ए। अगर आपके पास टेन ए है तो टेन ए को लिख सकते हो आप वन अपॉन कॉट ए। तो आज की जो क्लास है हमारी वो इंट्रोडक्शन क्लास है, और आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें आपको इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चनों को विद फुल्ली एक्सप्लेनेशन, कोई भी डाउट आपका जो होगा वो डाउट लिया जाएगा, उसके बाद उसे एक्सप्लेन किया जाएगा और रीजन बताया जाएगा आपको कि अगर आखिर इसका सॉल्यूशन ये है तो क्यों है, हम इसी तरीके से इसे क्यों सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों को अलर्ट कर दीजिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की मैराथन क्लास आने वाली है, जिस क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद सभी दोस्तों को अगर आप शेयर करते रहेंगे तो मैं जितने भी चैप्टर होंगे उनका फुल सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। आपका एक शेयर, आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमको, हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन देती है, और इसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि आने वाली वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन होगा, और अगर आप सपोर्ट करते रहे तो आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी आपको यूजफुल होंगी और आपकी कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन इस चैनल पे कराया जाएगा। हाँ, आप कैरियर सर्किल चैनल देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।